बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आज समाधान यात्रा पर गया जा रहे हैं, लेकिन बिहार के कई जिलों में घूमने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकाल रहा है। विजय सिन्हा ने कहा कि गया के लोग भाई के साए में जी रहे हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के वादे को नीतीश कुमार को पूरा करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 13 दिनों से इस कड़कड़ाती ठंड में किसान धरना पर बैठे हैं, उनकी समस्या को सुनने की मुख्यमंत्री को कोशिश करनी चाहिए। विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि आपका किसानों के प्रति उपेक्षा जग जाहिर है। बक्सर के चौसा में घटना होने के बाद भी आप किसानों से मिलने नहीं गए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार केवल पिकनिक मनाने निकल रहे हैं, इसको समाधान यात्रा कहना बंद करें। मंत्री जी, आप गया तो जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले सरकार को गयासुर की प्रवृत्ति त्याग करना पड़ेगा। आज भी गया जिले के लोग भय एवं आतंक के साए में जीने को मजबूर है। मांझी जी ने हाल ही में कहा था कि उन्हें अगर मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं जाता तो तपोवन को वो बोध गया से सुंदर बन देते। मुख्यमंत्री जी, कम से कम मांझी जी का वादा तो पूरा कर दीजिए। सूचना मिली है कि आप बांके बाजार प्रखंड क्षेत्र में भी जाएंगे। मेरा आग्रह है कि इसी प्रखंड में 13 दिनों से कड़कड़ाती ठंड में धरना पर बैठे सैकड़ों आंदोलनरत किसानों से आप मिलें और उनकी समस्या को दूर करें। लेकिन पूरी उम्मीद है कि आप इस आंदोलन में किसानों से मिलेंगे नहीं, क्योंकि किसानों को लेकर आपकी उपेक्षा और घृणा जग जाहिर है। बक्सर में भी आपने किसानों से मिलना उचित नहीं समझा था, फिर किस बात का समाधान आप निकाल रहे हैं? कृपया इस पिकनिक को समाधान यात्रा का नाम देना बंद करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज गया में समाधान यात्रा होगी। मुख्यमंत्री बांके बाजार प्रखंड के बीला गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान सीएम लेमन ग्रास की खेती का जायजा लेंगे। गया का ये इलाका कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, जहां के किसान अब लेमन ग्रास और मशरूम की खेती के जरिए उन्नति की राह पर अग्रसर है। इस दौरान मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं का निरीक्षण के साथ साथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा को लेकर जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। कल आदरणीय माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ बांके बाजार प्रखंड परसामा पंचायत बेला गांव में उनको आगमन है। जो ये उप मुख्यमंत्री और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का भी आगमन है, बहुत खुशी का बात है, ये बहुत गौरव की बात है। कहीं मन में सोचे थे आप लोग कि इस इलाका में मुख्यमंत्री का दौरा होगा? जी, कभी ऐसा नहीं लगा था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि यहाँ है। लेमन ग्रास जो किसान यहाँ का एक लेमन ग्रास किए हैं, उनको देखने के लिए और कई यहाँ पे कार्यक्रम है जो इस एरिया को देखने के लिए आ रहा है। इसमें